ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है मगर मुंब्रा में अभी भी चुनाव की चर्चा जारी है, वो भी इसलिए कि कुछ नगर सेवकों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि पार्टी के साथ धोखा कर शिवसेना को वोट दिलाने की बात सामने आ रही है। चुनाव के दौरान बाबा जी पाटिल 1 लाख से लीड दिलाने की बात सामने आई थी, जबकि ऐसे में अब राजू अंसारी और एनसीपी के नगर सेवक जफर नुमानी, एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम, इन लोगों पर लोकसभा चुनाव के दौरान आरोप लग रहा है कि शिवसेना को वोट दिलाने का काम किए हैं। एक तरफ जहां एनसीपी के बाबा जी पाटिल को जिताने के लिए एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम, इन लोगों पर इस लोकसभा चुनाव में आरोप लग रहे हैं कि शिवसेना को वोट दिलाने का काम किए हैं। एक तरफ जहां एनसीपी के बाबा जी पाटिल को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी एनसीपी, तो वहीं एनसीपी के ही नगर सेवक पर आरोप है कि शिवसेना के लिए काम कर रहे थे। मगर वहीं राजू अंसारी का भी नाम सामने आ रहा है, जबकि राजू अंसारी एनसीपी के हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। हालांकि राजू अंसारी अपने आप को कांग्रेसी बता रहे हैं, जबकि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में शिवसेना कल्याण लोकसभा उम्मीदवार का राजू अंसारी के ऑफिस में आना शहर में एक चर्चा का विषय बन गया था। एक तरफ एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन है, वहीं राजू अंसारी पर भी शिवसेना के लिए वोट दिलाने का आरोप लग रहे हैं। एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम पर भी शिवसेना को वोट दिलाने का आरोप लग रहा है। जफर भाई, आपके ऊपर जो न्यूज़ चल रही है आपके ऊपर कि आप लोग एनसीपी में होने के बावजूद आप लोगों ने जो लोकसभा इलेक्शन गया है उसमें आप लोगों ने शिवसेना के लिए काम किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो इल्ज़ाम है ये जिसने भी लगाया है एकदम सरासर गलत है। दूसरी बात ये है कि वो जो पेपर की न्यूज़ कटिंग चल रही है मैंने उसकी पूरी डिटेल्स निकाली है और वो मराठी पेपर की न्यूज़ थी और जो एडिटिंग की हुई थी वो हिंदी में की हुई थी, तो वो एडिटिंग की हुई है, हमने पूरा उसकी डिटेल निकाला है कम्प्लीट। किसी ने जो भी जिनको हमसे तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं तो किसी को तकलीफ़ देता नहीं हूँ, लेकिन क्या मालूम लोग क्यों मुझसे इस तरह की तकलीफ तासुब रखते हैं या जलन रखते हैं। मैं ऐसा कोई काम करता नहीं, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी पार्टी में जब मैं आया था शमीम खान साहब की क़यादत में मैं राष्ट्रवादी में शिरकत किया था जब से, और मैं राष्ट्रवादी का ही रहूँगा और इंशाअल्लाह जब तक मैं हूँ मैं राष्ट्रवादी पार्टी के साथ पूरी वफादारी से उसका काम करूँगा और उसके साथ कि आप राष्ट्रवादी में हैं और रहेंगे, तो फिर ये खबर कैसे आई सामने कि आपने एनसीपी के बजाय शिवसेना के लिए काम किया है? ये खबर पेपरों में चल रही है, बहरहाल मराठी पेपर में नाम नहीं है लेकिन जो एडिटिंग की गई उसमें बाकायदा नाम दिया गया है, तो ये सच है या झूठ है, या आप जो है आमदार साहब से कुछ नाराज़ चल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आमदार साहब से कोई नाराज़गी नहीं है मेरी, और बल्कि आमदार साहब मुझे पर्सनल, मैं खुद ऐसा कोई काम रहता है मुझे, जब भी उनको कोई काम बोलता हूँ तो मेरा काम वो 100% करते हैं। मैं मुझे लगता है कि सबसे पहला रिस्पांस मुझे मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो मैं बार बार फिर से कहता हूँ कि वो एडिटिंग की है, और वो एडिटिंग किसी ने शरारत की है, वो ओरिजिनल न्यूज़ नहीं है। अगर ओरिजिनल होती, वैसे भी मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, मैं रमज़ान की वजह से खामोश हूँ, उसमें लिखा है, मैंने देखा है कि उसमें 2 राष्ट्रवादी के नगर सेवक, नाम किसी का नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जिसने भी एडिटिंग की है उसने बाकायदा लोगों का नाम डाला है, किसका किसका नाम डाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा भी नाम डाला है। अभी जब तक मुझे पूरी डिटेल्स मालूम नहीं पड़ जाती कि कौन किया है, अब वो राष्ट्रवादी का किया है कि किसने किया है? नहीं किया तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है ना कि आपने किया है शिवसेना की? नहीं, मैंने, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने सेना के लिए काम किया है, लेकिन किसने वो जो न्यूज़ डाली है, क्योंकि अगर मुझे इस तरीके की कोई भी रिपोर्ट होती तो मेरे शहर के आमदार जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, शमीम खान साहब हैं, भाई साहब हैं, अमान्य जितेंद्र अहवाड साहब हैं, तमाम नगर सेवक हैं, कहीं ना कहीं से उनको तो खबर ज़रूर होती है। उन्होंने मुझे इतने दिनों तक कभी कोई शिकायत नहीं की। पैसे जो बांटने की बात उस पेपर में लिखी हुई है, तो क्या ये पैसे आपको भी मिले थे क्या? मैं तो गाँव था, इत्तेफाक से मैं आपको बात बता दूँ, मैं 16 तारीख, मैं मानता हूँ आप गाँव थे लेकिन डिजिटल इंडिया है। नहीं, लेकिन मैं जो हमारा गाँव है वो अभी मतलब समझे नहीं, मैं जब गांव में था तो ऐसी कोई बात नहीं थी, और मेरी बहन की शादी थी, मैं 16 तारीख से 25 तारीख तक गांव में था,
और मैं उससे पहले भी पार्टी के साथ था और आने के बाद भी मैंने भरपूर पार्टी का काम किया। 29 तारीख का इलेक्शन था और मैं इसीलिए खासकर, मैं शायद 2-4 दिन बाद लेट आता, लेकिन मैंने खासकर इसीलिए वहाँ से जल्दी आया मेरी बहन की शादी करके, ताकि मैं आकर के पार्टी का जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई मैं उसको बखूबी निभाऊँ। राजू अंसारी भाई, आपको सारा शहर जो है एक एनसीपी के तौर पर देखता है, आप एनसीपी में हमेशा रहते हैं, तो आप पर ऐसा ही न्यूज़ चल रही है कि आप जो है एनसीपी से ताल्लुक़ रखने के बाद कहीं ना कहीं जो है आप शिवसेना के लिए जो है वोट देने का काम किए। कोई प्रूफ करके दिखा दे मुझे कि मैंने कहीं शिवसेना का काम किया है तो। मैं शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, 1986 से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 1986 में नईम खान साहब जो मेरे बॉस थे, जिन्होंने मुझे पॉलिटिकली मैच्योर किया है, जिन्होंने पॉलिटिकली मुझे सिखाया है, उन्होंने 1986 में मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। तब से लेकर के आज तक मैं हमेशा कांग्रेस की पोस्ट पर रहा है। मैं एनसीपी आज तक किसी पोस्ट पर रहा तो नहीं है, मगर पिछले साल जो हमारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए उस वक्त में मेरी जो सिटिंग नगर सेवक, जो मेरी भाभी है, मेरे छोटे भाई की वाइफ है, उनको हम लोगों ने एनसीपी से टिकट मंगवाई थी, मांगी थी, हम लोगों ने सब मिलकर कोशिश की थी, हमने 2 टिकट मांगी थी, मगर हमें एक टिकट दी गई थी इस पैनल के अंदर, और हमने उनको लड़वाया एनसीपी से, और माशाल्लाह मुमरा कौसम सबसे हाईएस्ट मार्जिन से वो जीत करके भी आई हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता है मुझे कि राजू भाई अपने सेकुलरिज्म को भूल जाएगा है। आप एनसीपी में आप देखे जाते हैं, एनसीपी के कार्यक्रम हो या एनसीपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, तो आप कहीं ना कहीं उस दौरान जो है वहाँ पर नज़र आते हैं, तो ऐसे में अब आरोप लग रहा है कि आपने जो है एनसीपी के इतने करीब होने के बावजूद आपने जो है फिर शिवसेना के लिए काम किया। मैं हर उस सेकुलर पार्टी के साथ में हूँ, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज हो, जो लोग बीजेपी और जो फैसिज्म के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग रहेंगे उनके खिलाफ हमेशा राजू अंसारी खड़ा रहता और खड़ा रहेगा। जिस वक्त लोकसभा चुनाव था उस वक्त जो है जो खासदार हैं वो आपके यहाँ ऑफिस पे आए थे और आप उनके साथ चल रहे थे, तो लोग का जो है कहीं ना कहीं इस पर और भरोसा हो रहा है कि आपने जो है शिवसेना के लिए काम किया है। जी ऐसा है कि वो इलेक्शन के वक्त में नहीं आए थे, मेरे ख्याल से इलेक्शन से 2 महीने पहले की बात है। वो यहाँ से सुभाष भोईर साहब जो आमदार है लोकल, यहाँ के बाजू के आमदार है कल्याण ग्रामीण के, उनके साथ में शायद वो सामने से जा रहे थे मेरी ऑफिस के, तो सुभाष भोईर साहब ने दरवाज़ा खोल करके मुझे आवाज़ दी राजू भाई, तो मैं बाहर गया, मैं देखा तो वो मेरे दरवाजे पर आए हुए थे। मेरी ऑफिस पर कोई भी आएगा तो मैं उसको हमेशा अपने मेहमान की मेहमान समझ के रखूँगा, चाहे वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन। दुश्मन तो पहले मेरा कोई है ही नहीं, मगर जो भी मेरे वसूल के खिलाफ का आदमी भी अगर होगा मेरे दरवाजे पर आएगा, मैं उसको हमेशा अपने घर में बुला करके उसको इज्जत दूंगा। मगर कभी आपने नहीं देखा हो कि सुभाष भोईर के साहब के साथ में या श्रीकांत शिंदे साहब के साथ में मैं कहीं पर भी रैली में या फंक्शन में या कहीं गया हूँ, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मानेगा कि जो लोगों ने हमारे खिलाफ, हमारे कौम के खिलाफ लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं या काम करते रहे, हमेशा हमारे को नुकसान पहुँचाने का काम किया है, चाहे वो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से हो, चाहे वो राइट्स के ताल्लुक से हो, चाहे वो गौ हत्या के ताल्लुक से हो या ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से हो, हम उनके साथ में कैसे जा सकते हैं। कि अभी राजू अंसारी को खरीदने वाला कोई इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ है कि जो राजू अंसारी को पैसे देकर के खरीद सके। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र टाइम्स का जो आपने न्यूज़ देखा होगा वो एडिटेड न्यूज़ था, वो शायद आपको भी मालूम पड़ा होगा कि फेक, उसमें दोनों फोटोज चलाए जा रहे हैं, ओरिजिनल और फेक। फेक के अंदर मेरा नाम और साथ में 2-3 नगर सेवकों का नाम डाला गया है, जिसके ऊपर हमने उनको नोटिस भेज दिया है पेपर वालों को, और उन्होंने उसके ऊपर एक्शन भी लिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, जिसने भी इसके ऊपर एडिटिंग की है, इसको जो भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया उसके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद में मैंने भी साइबर क्राइम के अंदर अपील की है और लेटर दिया है कि ईद, अभी क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं रमज़ान के महीने में कहीं बाहर निकलता नहीं हूँ, ईद के बाद में मैं इसका पूरा फॉलोअप लूँगा और देखूँगा कि किस शख्स ने या किस लोगों ने बदमाशी की है। सालम भाई, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि आपने जो है MIM में रहकर और शिवसेना के लिए काम किया है, शिवसेना को जो है वोट दिलाया है, देखो इसम भाई ऐसा है ना कि जो लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने शिवसेना का काम किया, तो मेरा इनसे ये कहना है कि मुमरा बाहुमल मुस्लिम इलाका है, 10 लाख के करीब की आबादी है और सत्ताधर पार्टी NCP है यहाँ पे, तो इन लोग ने क्यों नहीं मेहनत की यहाँ पे वोटरों से वोट डलवाने के लिए, सेकुलर पार्टियों को वोट डालने के लिए, ये क्यों नहीं उतरे यहाँ के लोग, यहाँ के नगर सेवक जो इनके थे और जो बड़े नेता इनके थे, क्यों नहीं एक रैली की, उसके बाद इन लोग ने किस किए क्या, कोई गली गली कहीं घूमे गए इन लोगों ने, क्यों वोटिंग परसेंटेज कम रहा मुमरा का, 35 से 37% मुमरा का वोटिंग परसेंटेज था। मुझे तो लगता है कि इनकी घसाट घाट है, लगता है इतने बड़े खासदार हमारा आमदार आपका। अगर ये बातें सच है आप कह रहे हैं क्या मेरे बोलने से लोग मुसलमान शिवसेना को वोट डालेंगे, तो इंशाल्लाह फिर 2019 के MLA के इलेक्शन में हमारी पार्टी इंशाल्लाह ज़रूर कॉन्टेस्ट करेगी, लड़ेगी MLA, तो मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा, मुस्लिम पार्टी की सीट रहेगी हमारी,
तो इंशाल्लाह हम वोट मांगेंगे कि जो अगर वो हमारे बोलने से शिवसेना को वोट दे सकते हैं तो वो तो अपने भाई, हम अपने भाई से मांगे तो हमको वोट मिलना चाहिए फिर इंसान सर। सिम्बोसिस स्कूल पर आप लोगों को कह रहे थे कि जो है शिवसेना को वोट दे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने कहा लोगों से ना, मैंने क्या आपका इल्ज़ाम क्या, लोगों का इल्ज़ाम है कि मैंने कहा लोगों से कि शिवसेना को वोट दो, तो कई लोग होंगे तो उसमें एक दो चार कोई तो आवे जो ये कहे कि हाँ शालम भाई ने हमसे आके कहा कि शिवसेना को वोट डालो, एक तो बोलो। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आप पर आरोप लग रहा है, क्या ये आरोप आप पर जो लगे हैं ये सही है या गलत? नहीं, मैं तो ये बिल्कुल ये इल्ज़ाम सरासर गलत है, मैं इसको खारिज करता हूँ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तमाम शहर के लोग जानते हैं कि खासदार साहब और आमदार साहब का पैक्ट रहता है हमेशा कि खासदार आपका आमदार हमारा, नहीं तो इनको यहाँ वोटिंग क्यों गिरे, 20,000 वोट कैसे गिर गए, आमदार आपके 20-20 कारपोरेटर आपके कैसे गिरे शिवसेना को वोट, मुझे तो लगता है ये आपकी गठजोड़ की वजह से वोट गिरा है वहाँ पे। आपकी मतलब किसकी? सत्ताधर पार्टी की। कौन? NCP पार्टी है यहाँ की सत्ताधर पार्टी, कौन है? एक तरफ इन लोगों पर लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना के लिए काम करने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग लगे हुए आरोपों को खारिज कर रहे हैं। शाह आलम ने NCP और शिवसेना की गठबंधन बताया है, तो राजू अंसारी और जफर लुमानी इस मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें ये खबर एक मराठी अखबार में छपी थी, मगर उस खबर में किसी के नाम का जिक्र नहीं था, मगर उस अखबार की कटिंग पर किसी ने हिंदी में इनके नाम के साथ एडिट कर वायरल कर दिया और ये मामला तूल पकड़ता चला गया, जिसकी वजह से शहर में इनको लेकर तरह तरह के चर्चे हो रहे हैं। अब इन लोगों ने जांच होने की बात कही है, अब जांच होने के बाद ही सच्चाई सबके सामने आएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।